अब खबरें विस्तार से। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ जाने के बाद उन्हें आनन फानन में टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद के सांसद एवं वरिष्ठ नेता पशुपतिनाथ सिंह हर हर महादेव संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने शहर प्रवास पर थे। यहां साय करीब 4 बजे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। उन्हें तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। पशुपतिनाथ जी हर हर महादेव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमशेदपुर आए हुए हैं। इनका सीने में दर्द हो गया, उसके लिए इलाज के लिए टीम तो में आए हैं। डॉक्टर ने बताया कि अभी स्थिति स्थिर है और हम लोग इन्हें कैथ लैब में शिफ्ट करेंगे। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने बिगड़ती विधि व्यवस्था पर सरकार को कोसा और CNT SPT एक्ट पर भी उन्होंने सरकार की जमकर खिंचाई की। इस देश में अपराध के सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में, जहां पर भाजपा की सरकार पिछले 13-14 साल से वहीं पर स्थापित है। मध्य प्रदेश इस देश का जो है बलात्कार वाली राजधानी है। अब तो IAS की बेटी, बाकी तो छोड़ दीजिए, हमने निर्भया कांड देखा, सब देखा, लेकिन IAS की बेटी जो है, जो चंडीगढ़ में जो घटना हुई थी जिसमें भाजपा के एक बड़े नेता और उनका बेटा का बरेला साहब, सुभाष बरेला साहब के बेटा विकास बरेला के ऊपर छेड़खानी का आरोप है। आज चंडीगढ़ पुलिस ने कहा कि जितने भी CCTV में जो कैद हुए रिकॉर्डिंग है वो गैप हो गए। मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और उनके परिवार के कारनामे से सुना है कि परसों या कल ही एक टाइगर मोबाइल के आरक्षी को पकड़ करके हमारे मुख्यमंत्री जी के पैरलर्स भाई, जो भाई जो पैरलर सरकार चलाते हैं कोलान में और जमशेदपुर में, उन्होंने पीटा। फुचका वाले को मारने तो आम बात हो गई। थाना में बंद कैदी लोग को जो है मार पीटना आम बात हो गई। तो लगातार जब उनकी परिवार की जो है अप्रत्याशित रूप से उनकी गुंडागर्दी चल रही है, तो बाकी प्रदेश में उनके आंकड़े सुन लीजिए। रांची में जो है 2017 में 3600 से ऊपर जो है आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, ये सबसे ज्यादा है अभी तक। जैसे मोदी जी ने कहा कि पहली बार तो पहले से मोदी जी जैसे काबिल अभिनेता इस देश में नहीं। CM रघुवर दास ने कहा कि बारिश के बाद NH-33 का काम युद्ध स्तर पर होगा। ईचागढ़ में उद्घाटन से पूर्व पुल धसने पर उन्होंने कहा कि इंजीनियर पर भी मामला दर्ज होगा। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। एडवांस प्लानिंग हमने दोनों सेक्रेटरी को कहा और आप देखेंगे 20-25 सितंबर से जैसे जमशेदपुर रांची NHAI का रोड है, फिर भी हमने कहा कि NHAI से परमिशन लेके अगर NHAI मरम्मति नहीं करता तो राज्य सरकार अपने बजट से जहां जहां जैसे पार्टी से चांडिल काफी सड़क था, जहां जगह हमने बस सचिव कहा जमशेदपुर रांची आप खुद रोड बाय रोड एक बार विजिट करके कहां काम को पैचअप करना और पैचअप करके वन लेयर चला देना ताकि एक साल तक रोड फिर हमारा किसी जनता को आवाज और तकलीफ ना हो। क्योंकि जमशेदपुर रांची राइट लाइन में और एक साल के अंदर जैसे हमारे भारत सरकार के साथ भी बैठक हुई है और हाईकोर्ट भी इस रोड का मॉनिटरिंग कर रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2018 में ये जमशेदपुर रांची रोड पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं भारत सरकार से भी और NHAI के लोगों को बुलाकर बैठक कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2018 में ये समस्या खत्म हो जाएगी क्योंकि ये रोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने 24 घंटा का समय दिया था। DGP CID KDG सभी ने मुझे रिपोर्ट दिया, इसमें और अनुसंधान था। अभी तक जो प्रारंभिक रिपोर्ट आया उसके आधार पर उस जांच को निष्पक्ष जांच करने के लिए हमने वहाँ के थानेदार और DSP को हटाया। इतनी बहुत तरह की बातें आ रही हैं, निष्पक्ष जांच से वास्तविकता बात आ रही है। आने वाले समय में CID के ADG को हमने कहा कि विलंब इसकी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी आप इसकी। सर बरसात में जो पुल बहा उसमें कोई जांच वगैरह क्वालिटी? ऑटोमेटिक जांच होगी, जो भी पुल अगर बहे तो विभाग जांच कराएगी।
क्या विभागीय लापरवाही से, इंजीनियर की लापरवाही से अगर इस तरह घटना, और हमने अब ये निर्देश दिया सिर्फ ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं, इंजीनियर पर भी कार्रवाई। झारखंड क्षत्रिय लोधी महासभा द्वारा सोनारी में भोजली शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। सीएम रक्षाबंधन के दिन शहर में रहे और उनके आवास पर उनकी बहनों के अलावा महिला कार्यकर्ताओं ने राखी बांधकर रस्म अदायगी की। सीएम रघुवर दास की बहनों और महिला कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर राखी बांधकर पूजा अर्चना में भाग लिया। Thank you.